एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज हम लेकर के आए हैं लॉज ऑफ मोशन का तीसरा पार्ट। तो इस तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे फ्रिक्शन की। कंस्ट्रेंट इक्वेशंस बचे हैं, उन्हें सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे केवल फ्रिक्शन की। ओके, तो फ्रिक्शन हमारा लॉज ऑफ मोशन का तीसरा पार्ट। ये फ्रिक्शन वन है, फ्रिक्शन वन टू आने वाला है, और इधर हम सोच रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को खत्म करने का। तो सबसे पहले भाई फ्रिक्शन होता क्या है? सिंपल, ये अपोज करता है फोर्स को, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात बता दो मेरे को, ये लगता कैसे? कॉन्टैक्ट पे लगता है किसी भी बॉडी के, ठीक है, कॉन्टैक्ट होने पे लगता है। और ग्राउंड लगाता है फ्रिक्शन, और ग्राउंड लगाता है फ्रिक्शन, अर्थ लगाता है फ्रिक्शन। ओके, अर्थ लगाता है फ्रिक्शन। अभी आगे बात करते हैं फ्रिक्शन के टाइप्स की। ओके, तो इधर फ्रिक्शन जो है ना हमारा, टू टाइप में जनरली डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला टाइप स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा टाइप काइनेटिक फ्रिक्शन। पहले इजी वाले को करेंगे, फिर थोड़ा सा टफ जो है उसे करेंगे, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन बाद में करेंगे, पहले काइनेटिक फ्रिक्शन। और इन दोनों को करने से पहले फ्रिक्शन समझेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है? जब भी हम कोई भी बॉडी पर, ये समझ लो ये क्या है, हमारा सरफेस है, बॉडी पे नहीं सरफेस पे, हम कोई भी बॉडी को थ्रो करते हैं, फोर्स लगा के उसे थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप सपोज कीजिए आपने एक बॉल फेंक दिया, ठीक है, बॉल फेंक दिया, और बॉल ऐसे ऐसे जाता रहेगा। सडनली आप देखोगे कि बॉल रुक जाएगा। न्यूटन का पहला लॉ क्या था? अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगता तो वो मोशन में रहेगा। क्या लॉ था न्यूटन का? अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगता तो वो मोशन में रहेगा, बट ये रुक गया। दिक्कत क्या आई? ये जा रहा था, रुक कैसे गया? फोर्स तो हमने इस तरफ लगाया, राइट, फोर्स तो हमने इस तरफ लगाया, तो एक ऐसा फोर्स और था जो इसके अपोजिट इस तरफ लग रहा था, हम कह सकते हैं, क्योंकि यार क्लीन बात दिख रही है हमें। अगर इस तरफ फोर्स लगता तो और आगे बढ़ता है ना, अगर फोर्स की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता तो और आगे बढ़ जाता, फिर तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सबकी सफर करके लौट के आता हमारा बॉल, ठीक है। बट इधर क्या था? फ्रिक्शन लग रहा था, किस तरफ? अपोजिट डायरेक्शन में, रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा था। फ्रिक्शन की बात क्लियर हुई? फ्रिक्शन आपने 8th में भी पढ़ा हुआ है, 9th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इसके बारे में तो आपको जनरल नॉलेज है ही है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, और पहले लेक्चर में भी फ्रिक्शन बता दिया था हमने, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। पहले काइनेटिक फ्रिक्शन को डिस्कस करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन ये किसी भी मोशन में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन पर ये फ्रिक्शन लगता है। किन पर? जो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं उन पर ये फ्रिक्शन लगता है। दूसरी बात, ये जो हमारा फ्रिक्शन होता है ये प्रोपोर्शनल होता है इसके नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन काइनेटिक लिख लो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बना, ठीक है, म्यू के इंटू एन, एफ के इज इक्वल म्यू के इंटू एन, एफ के इज इक्वल म्यू के इंटू एन। म्यू के क्या है? कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसे? कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। यहां काइनेटिक फ्रिक्शन है इसलिए इधर लिखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी हमने क्या देखा? काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है? हमने देखा काइनेटिक फ्रिक्शन किसी भी मोशन में होने वाले ऑब्जेक्ट पर लगता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पर। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, इधर हमने एक बॉल फेंका था, तो बॉल जा कैसे रहा था यार? मोशन में था ना, मतलब उधर काइनेटिक फ्रिक्शन लगा, उधर काइनेटिक फ्रिक्शन ने उसे रोक दिया,
तो इस मोशन में लग जाने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन लगता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और ये जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है ये प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है तो इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे और वो कांस्टेंट होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमारा फॉर्मूला बन गया एफ के इज इक्वल म्यू के इनटू एन। चलो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन देखो, बात मेन क्या दिमाग में रखनी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा मोशन में जाने वाले ऑब्जेक्ट पर लगता है, मोशन पे जाने वाले ऑब्जेक्ट पर लगता है, मोशन में जाने वाले ऑब्जेक्ट पे, मोशन में जाने वाले ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अच्छा अभी स्टैटिक फ्रिक्शन देख लो, स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर लगता है, रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर लगता है। नहीं आया दिमाग में, नहीं गया, अच्छा नहीं गया तो इधर देखो, ये बल्कि ब्लॉक मतलब इसमें 500 किलो का वेट है, ये समझ लो है ना, 500 किलो का आप लग रहे हो, पूरी जी जान लगा दी, पूरी जी जान लगा दी इस पे, हिल जा भैया हिल जा हिल जा, वो हिल ही नहीं रहा, वो हिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं हिल रहा? न्यूटन के पहले लॉ ने तो कहा था कि अगर उधर फोर्स लगेगा तो सीधा सीधा भाई मोशन में जाएगा, ठीक है, अपनी टेंडेंसी को छोड़ेगा, बट ये नहीं छोड़ रहा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि इधर से फ्रिक्शन लग रहा है, ये जो फोर्स है ये कम पड़ रहा है फ्रिक्शन के मामले में, ये जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा है और ये जो फोर्स है वो कम है, ये बात हुई, इसलिए रेस्ट में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शन होता है, हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो अगर ज्यादा हो, अभी फ्रिक्शन कौन सा बताएंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी बताऊंगा, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर ज्यादा हो, ज्यादा हो किससे, फोर्स अप्लाइड से, किससे ज्यादा हो, फोर्स अप्लाइड से, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में जाओ, ठीक है, मतलब वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में होता है। अगर कम हो तो वो ऑब्जेक्ट हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन वाले लॉ में यूज होगा, मतलब मोशन में जाएगा, ठीक है। अब बताएंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या, तो ये जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हम थोड़ी सी और बात करते हैं, और वार्ता लेते हैं उसके ऊपर। काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा जीरो से लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में होता है। अच्छा अभी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, ठीक है, इतना मतलब क्या कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो जीरो से लेकर के फ्रिक्शन लिमिटिंग तक लग सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक लग सकता है, ठीक है। तीसरी अभी बात में लिमिटिंग फ्रिक्शन की करनी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अभी फॉर्मूला बना, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, सॉरी म्यू उधर म्यू के था, इधर म्यू एस एन। अभी ये म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक, हाँ काइनेटिक नहीं भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अभी यहाँ पर हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है, थ्योरी हमने पूरी कर ली है, अब करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल देखो, इधर क्या है, वही वाला एक ब्लॉक है 500 केजी का, कितने का, 500 केजी का एक ब्लॉक है, ठीक है, इधर से फोर्स लग रहा है मान लो 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन। तो अभी क्या नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर, ग्राउंड ऊपर लगाता है नॉर्मल रिएक्शन, सिंपल सी बात, हर बार नॉर्मल रिएक्शन ऊपर नहीं होगा, हर बार नॉर्मल रिएक्शन ऊपर
नहीं होगा वो भी समझाऊंगा अभी कैसे नहीं होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो हुआ क्या, हमारे पास क्या है, ये 50 न्यूटन हमारा अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, 50 न्यूटन हमारा अप्लाइड फोर्स है। तो अभी पता कैसे करें कि यार ये रेस्ट में है या फिर मोशन में है। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, कितना होता है, म्यू एस इंटू एन। चलो म्यू एस हम मान लेते हैं भाई, म्यू एस कितना हो गया हमारा, म्यू एस हमने मान लिया 0.2। ठीक है, म्यू एस इतना मान लिया, क्लियर बात, म्यू एस इतना मान लिया। जनरली एक और फोर्स लगेगा, अगर इसका एफ बी डी बनाए हम तो एक और फोर्स लगेगा इस पर, जो ऊपर से नीचे की तरफ यानी ग्रेविटी जो फोर्स लगाएगी, दैट इज एम जी। एम जी, एम जी कितना होगा, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी मानते हैं 10। तो ये हो गया भैया 5000 न्यूटन। ये किसके बराबर होगा, सिंपल सी बात, ये बराबर होगा हमारे नॉर्मल रिएक्शन के। क्यों नॉर्मल रिएक्शन के, जनरली ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, तो इक्विलिब्रियम में होंगे तो नेट फोर्स इज इक्वल 0 फॉर एनी एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। ओके, सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल एम जी, एंड एम जी इज इक्वल टू 5000 न्यूटन। इतना फोर्स तो कोई नहीं लगा सकता, हम लोग तो लगा ही नहीं सकते इतना फोर्स। फोर्स फॉर लिमिटिंग इज इक्वल म्यू एस कितना है, 0.2 इंटू 5000 न्यूटन। 5000 न्यूटन, 5 × 10 = 10, और ये 3 बचे हुए, ये 0 लगा दिया, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा 1000 होगा। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा 1000 होगा। अभी इधर देखो, जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये ज़्यादा है किससे, अप्लाइड फोर्स से, अप्लाइड फोर्स से लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है। ये हमारा 1000 न्यूटन है, सीधा सीधा ये हमारा 1000 न्यूटन है, और ये हमारा कितना है यार, कितना है ये हमारा, कितना है, सोचो सोचो सोचो, ये हमारा है 50 न्यूटन। 50 न्यूटन, इतने में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, इतने में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये बताओ कि इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, जल्दी से वीडियो पॉज करो, सोच के देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा या स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। सीधा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्यों लगेगा, इसका रीजन देखो, फ्रिक्शन ये वाला ज़्यादा है तो क्लीन बात है कि ये हिलने नहीं देगा इसे। ठीक है, हिलने नहीं देगा। तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लिखते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन हम लिख देते हैं, चलो 1000 लिख देते हैं, 1000 न्यूटन है हमने अभी निकाला, क्या 1000 न्यूटन होगा। अरे यार लॉजिक लगा के देखो ना, लॉजिक लगा के देखो, क्या कि 1000 न्यूटन तो हो ही नहीं सकता। अगर ये 1000 न्यूटन हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट यार आगे की तरफ तो जाएगा नहीं, पीछे की तरफ भागेगा। अगर 1000 न्यूटन ये होता है तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ नहीं जाएगा, पीछे की तरफ भागता रहेगा, लौटता रहेगा, है ना, यही होगा, सिंपल है, यही होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा रेस्ट में बैठा हुआ है, तो फ्रिक्शन का स्टैटिक कितना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा जितना फ्रिक्शन इधर, जितना सॉरी फोर्स इतना इधर, जो इतना जितना फोर्स लग रहा है वही हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो अभी बताते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा 50 न्यूटन, मतलब अप्लाइड फोर्स। ठीक है, फोर्स अप्लाइड इज इक्वल स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। काइनेटिक फ्रिक्शन का एक सवाल है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं। अभी हमें पता नहीं है काइनेटिक फ्रिक्शन में या स्टैटिक फ्रिक्शन में, वो तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, सिंपल सा ग्राउंड, ये क्या है हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक कितने मास अपने अंदर रखता है, इस बार ब्लॉक रखता है अपने अंदर 5 किलोग्राम का मास। ठीक है, और इस बार फोर्स इधर की तरफ नहीं लग रहा, इस बार फोर्स इधर की तरफ नहीं लग रहा, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, एंगल कितना है, एंगल, एंगल मान लो आप 37 डिग्री का एंगल, जनरल है, दो कंपोनेंट बनेंगे इसके। ठीक है, तो ये फोर्स हम मान लेते हैं
टेन न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स है, और दोनों तरफ कितना हो जाएगा, लगाओ भाई, 10 × cos 37, cos 37 कितना होता है, कई बार बता चुका हूँ अभी तक की पिछली वीडियो में, cos 37 होता है हमारा 4/5, 5 से गया 2 times और ये आ गया 8 न्यूटन, ठीक है, 10 × sin 37, sin 37 कितना होता है, 3/5, है ना, तो 5 से 2 times, आंसर आया 6, मतलब कह सकते हैं ऊपर की तरफ 6 न्यूटन, नीचे की तरफ 8 न्यूटन। वेक्टर्स की वीडियो देखो, वेक्टर्स की वीडियो कई बार पढ़ी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, जाओ देख लो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं आगे, जनरल एस पे एक फोर्स और लगेगा, FBD बनाते हैं इस पे, चलो FBD बनाएंगे, एक फोर्स लगेगा MG इज इक्वल 50 न्यूटन, 50 न्यूटन होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भैया। और एक चीज और रह गई इस पे, म्यू के मान लो इस पर है 0.3 का, और म्यू एस मान लो इस पर है 0. चलो इसे 2 का रखते हैं, इसे 3 का रखते हैं, इसे 3 का, ये 50 न्यूटन, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर का फोर्स हमारा कितना, 10 न्यूटन का, नीचे का फोर्स 50 न्यूटन, ऊपर का फोर्स 10 न्यूटन, नीचे का फोर्स 50 न्यूटन, इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट, इतना तो क्लियर है ना, इक्विलिब्रियम में एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, अरे भाई नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो जनरल क्या करेंगे, n+10 − 50 = 0। अब ये आप बताओगे क्यों होगा, इक्विलिब्रियम तो आपने पढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम आपको आता है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है यार, n+10 − 50 = 0, क्यों, क्योंकि यार ये मोशन नहीं कर रहा ना ऊपर की तरफ, अगर ये मोशन करेगा ऊपर की तरफ तो हम कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, इस तरफ तो ये मोशन कर सकता है, इसलिए इस तरफ हम इसे इक्विलिब्रियम नहीं मानते, इस तरफ इसे इक्विलिब्रियम नहीं मानते, लेकिन ये ऊपर की तरफ मोशन नहीं कर रहा, वाई एक्सिस पे मोशन नहीं कर रहा, ठीक है, तो जनरल है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों की डायरेक्शन एक, तो प्लस हो गए, और ये माइनस, दैट इज इक्वल 50, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आया मेरे दोस्त, 40 न्यूटन। मैंने कहा था ना हर बार एमजी नहीं होगा नॉर्मल रिएक्शन, हर बार एमजी नहीं होगा, देख लो एमजी कितना है 50, नॉर्मल रिएक्शन 40, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, ओके, दैट इज द लॉजिक। नाउ फ्रिक्शन फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन देख लो, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन अभी हमने कितना निकाला था दोस्तों, 40 न्यूटन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है, तो फ्रिक्शन फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज इक्वल 0.3 × 50, अभी आप आंसर बताओ कितना, 5×3 = 15, ठीक है, 15 न्यूटन हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन आ, जनरल है लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा, हमारा अप्लाइड फोर्स केवल 10 न्यूटन का रह गया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा ज्यादा होगा, ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा हमारा 10 न्यूटन, बैलेंस करना है हमें, 10 न्यूटन होगा नहीं, इस बार स्टैटिक फ्रिक्शन होगा 8 न्यूटन, अब इस बार स्टैटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन क्या है ये भी बता दो, क्योंकि यार वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है ना, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्या यूं लगेगा, नहीं फ्रिक्शन तो यूं लगेगा ना, फ्रिक्शन यूं लगेगा, दैट इज द पॉइंट, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ गया 8 न्यूटन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन। अब इसी क्वेश्चन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन बना, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन बना, इधर ही मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा, इसे मैं 20 कर दूंगा, इसी सवाल में छोटा सा चेंज है, ये 20 हो गया, नॉर्मल रिएक्शन कुछ और आएगा फिर, तो चलो इसे 20 नहीं करता, म्यू के की वैल्यू, इस म्यू एस की वैल्यू चेंज कर देता, इसे तो 10 ही रहने देता, तो नॉर्मल रिएक्शन भी हमारा 40 ही रहेगा,
म्यू एस की वैल्यू चेंज करो, म्यू एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, म्यू एस की वैल्यू इतनी ज्यादा रख देंगे इस बार, इतनी ज्यादा नहीं इतनी कम रख देंगे, 0.1 रख दी म्यू एस की वैल्यू। अभी ये मूव करेगा नहीं करेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू 0.1 म्यू एस इंटू 40, सो म्यू एल इज इक्वल 4 न्यू, देख लो म्यू एल इज इक्वल 4 न्यूटन। क्वेश्चन बन गया काइनेटिक फ्रिक्शन का, वो मूव करने लग गया, क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, अप्लाइड फोर्स ज्यादा है। अब आप उसे घसीट के कहीं भी ले जा सकते हो भैया, ठीक है, अब आप उसे घसीट के कहीं भी ले जा सकते हो, म्यू एस की वैल्यू कम हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई। अभी काइनेटिक फ्रिक्शन देखते हैं, जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन देखो जीरो, हाँ 0.2 इंटू मल्टीप्लाई कितने का होगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कितना है हमारा, नॉर्मल रिएक्शन कितना है हमारा 40 न्यूटन, 40 न्यूटन है ना, तो एफ के कितना आ गया 4 2 8 8 न्यूटन। अरे यार ये तो घूमेगा ही नहीं, ये तो घूमेगा ही नहीं, नहीं चलेगा, तो क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जाए, बस काइनेटिक फ्रिक्शन ही आ गया हमारा। तो अभी यहाँ पर हमारा फ्रिक्शन खत्म होता है, मिलेंगे अगली वीडियो में। लॉजिकली ये घूमेगा नहीं आपका, लॉजिकली ये चलेगा भी नहीं, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन उसे बिल्कुल रोक के रखेगा, ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगला वीडियो भी फ्रिक्शन का पार्ट होगा अगला, ठीक है, फ्रिक्शन का पार्ट 2 जिसे हम कह सकते हैं, और लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 4। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।